नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बिहार में सियासी उबाल मचा हुआ है। नीतीश सरकार के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुकेश सहनी ने यूपी चुनाव में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, वो तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बता चुके हैं, तो वहीं बीजेपी पर अपनी पार्टी को कमज़ोर करने का आरोप भी लगा रहे हैं, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या वीआईपी प्रमुख का सच में एनडीए से मोहभंग हो चुका है। हालांकि मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के साथ होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार 5 साल तक चलेगी। अभी तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग सरकार चला रहे हैं, अब मजबूती से 5 साल चलना है, इस पर कुछ ये नहीं कीजिए। रहा कि भाई भाई में, हाँ वो चलना है, भाई भाई में भी काफी घमासान है, वो ठीक है, वो बीजेपी को सोचना है और जेडीयू को सोचना है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। और रहा कि हम लालू जी को मानने वाले लोग हैं, उनके विचार पे चलने वाले लोग हैं, उनका विचार है गरीब लोगों का न्याय हो, उनके रोटी कपड़ा मकान उनको मिलना चाहिए, वही हमारा भी सोच है कि गरीब चाहे जिस जाति के हो उसको सरकार का खजाना पे पहला अधिकार उनका होना चाहिए। तो हम ये विचार पे जीने वाले लोग हैं और लालू जी के सुपुत्र हैं, हमने उनके साथ काम भी किया, वो बड़ा भाई हमेशा माना है, हमने उनको छोटा भाई माना है, तो ये हमारा संबंध थोड़े ख़त्म हो जाएगा। कल भी मेरा छोटा भाई था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। रहा राजनीति, वो अलग कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं, उनका अलग विचार है, मेरा अलग विचार है, जिस रोज हम दोनों का विचार मिल जाएगा उस रोज राजनीति भी साथ में हो सकता है, कोई नया बात नहीं है। बात राजनीति में तो वही है, विचार की लड़ाई भाई, बिहार के जनता के लिए काम करना है। 12 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सबके लिए सब मिल के काम करें। तेजस्वी जी का मन है कि हम अकेले मुख्यमंत्री बने और हम अकेले काम करें, तो अकेले उससे काम होना नहीं है, तो यही हमारे उनसे दूरियां हैं। जिस रोज वो चाह लेंगे कि सब मिलकर काम करें बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए, उस रोज सब में हम भी आ जाते हैं। 4 पार्टी के समर्थन से सरकार बना, तो निश्चित तौर पर ये सरकार हमारी है और ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जब सरकार चल रही है, हम मजबूती से यहाँ पे काम करें, तो आपको किस वजह से तकलीफ है? आपको इस सरकार के साथ अगर तकलीफ है तो आप चले जाइए बाहर, हम क्यों चले जाए? हम तो सरकार बनाए हैं और आप तो अनुकंपा पे आप लोग हैं, आपके टॉप लीडर को बोलिए हमको बाहर चले जाने के लिए, हम 2 मिनट में चले जाएंगे। दूसरी तरफ मुकेश सहनी के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता प्रमोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुकेश सहनी मंत्री बने हैं तो वो एनडीए की देन है, अपनी सीट देकर और एमएलसी बनाकर बीजेपी ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। अब अगर मुकेश सहनी को कुछ विशेष लगता है तो लोकतंत्र में सबको छूट है और वो भी अपनी ताकत दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रमोद कुमार ने कहा कि मार्च में पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सूर्य के समान है। कुछ नेता सूर्य को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले बीजेपी सांसद अजय निषाद ने मुकेश सहनी को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर वो सरकार छोड़कर चले जाएं तो भी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बीच बीती रात यानी बुधवार रात को आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मुकेश सहनी के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इससे कुछ दिन पहले मृत्युंजय तिवारी जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा से भी मिलने उनके आवास पर गए थे और 1 घंटे तक बातचीत की थी। अब मृत्युंजय तिवारी की मुकेश सहनी से मुलाकात किसी बड़े राजनीतिक उठापटक का संकेत जरूर दे रही है। हालांकि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।